सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए एक स्केचिंग का डेमो लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर एक स्केच बना के दिखाइए। तो एक्चुअली क्या है कि अभी लाइव क्लास का टाइम भी नहीं मिल पा रहा मुझे, थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। सो कोई नहीं, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, खासकर स्केचिंग में, क्योंकि पता ही होता है कि लोगों को स्केचिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से लाइन यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। अभी जैसे कि मेरे पास ये नॉर्मल मेरी एक स्केच बुक है और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की 8B पेंसिल है, तो पेंसिल के बारे में लोग जानते ही होंगे। तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कैसे। और सबसे पहली चीज़ तो एक जब आप स्केच बनाते हो तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है वो चीज़। सो स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिएगा। और एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि वीडियो आप लोग जब देखेंगे तो आपको भी ट्राई करके मुझे भेजना है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, सैंकी आर्ट, SHNKYART, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो आप स्केच बनाइएगा, मुझे टैग कीजिएगा। सो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। मेन होता है कि पहले हमें कैसे किस तरीके ड्राइंग करनी है। और जो आप लोग रेफरेंस देख रहे हैं, ये मैंने मेट्रो में क्लिक किया था। कुछ लोग को लग रहा है कि आपने सर स्केच जो बना रहे हो, जो रेफरेंस आपको दिख रहा है, ये तो आप शायद आपने बैठाला होगा सामने। ऐसा नहीं है, यही तो एक बेस्ट बात है मेरी कि मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, मतलब कि जो मॉडल्स है, जो भी चीज़ मुझे बनाना होता है, कुछ लाइव भी करता हूँ। कुछ मुझे लगता है कि अगर टाइम नहीं है तो रेफरेंसेस अच्छे हैं तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर बाद में उनको ट्राई करता हूँ। तो अभी एक मास्क पहने हुए एक इंसान का स्केच बना रहा हूँ। और स्केच में खास कर ध्यान देने वाली बात है, देखिए मुझे नहीं पता है कि बाकी लोग कैसे काम करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट, सबका अपना अपना एक बेस्ट पार्ट होता है स्केच करने का। अब ये मेरा बेस्ट पार्ट है, कुछ मैं हैचिंग में यूज़ करता हूँ, कुछ थोड़ा मिक्सिंग का पार्ट। लेकिन अभी मैं आपको एक रफली फॉर्म में स्केच बना के दिखाऊंगा जो एटलीस्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो। वैसे स्केचिंग थोड़ा सा मैं आराम आराम कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, नहीं तो अब तक स्केच नॉर्मल स्पीड में वैसे काम करता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को अच्छे से देखो। अभी कुछ मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, धीरे करके चीज़ों को फाइनलाइज कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि अच्छा स्केच दिख रहा है, उसके पहले फीचर्स निकालने में ट्राई करने लगते हैं। पहले उस चीज़ को आप बाद में करो, पहले जो एक्चुअल जो चीज़ दिख रही है पहले उसको तो निकाल लो, फीचर्स तो एक बात का पार्ट है। किस तरीके से स्केच की पोजीशन दिख रही है, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें तो पहले आप उसको देख लो नॉर्मली। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो पता ही होगा कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाता ही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको काफ़ी हेल्प करे आपके काम के लिए, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको एक स्केच में सब कुछ मिल जाए। रफली स्केच भी होते हैं, कुछ 1 मिनट के भी होते हैं, कुछ 3 मिनट के, 5 मिनट के, डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अभी जैसे कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है क्योंकि मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये है कि अब मैंने इसीलिए वीडियो बना भी रहा हूँ कि आपको हेल्प मिले, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्केच में आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाए। एक सिंपली वे में, और जैसा भी आप लोगों को काम लगे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, जैसा भी आपको लगा लगे वो चीज़। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए या उस टॉपिक की वीडियो बनाइए। देखिए मुझे जो मुझे लगता है कि जिस पे मुझे बनानी चाहिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। सो दैट्स वाई कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। अभी देखो मैं कैसे स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो किस तरीके से। वैसे मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ मैं लाइव स्केच करूँ,
बट ये है कि अभी तो पॉसिबल नहीं है आप लोग को लाइव स्केच करके दिखाना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा भी लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो लगी है, जो भी जैसा भी कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए उसका भी आप बिल्कुल आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। ऐसा कि नहीं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, देखिए जो जितना अच्छा कर लेता हूँ उतना आप लोग के लिए अच्छा है, बट मुझे ही पता है कि बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं, वो लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन हम थोड़ी सी नॉलेज अगर लेते हैं और उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप उस चीज़ में बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। अभी देखो किस तरीके में स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ डेप्थ है वहाँ पे डार्क स्ट्रोक्स, जो लाइट वाले एरिया वहाँ पे लाइट स्ट्रोक्स में काम कर रहा हूँ। मैंने डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मेरी स्पीड नहीं है स्केच बनाने की, ये सिर्फ आप लोग के लिए मैं बहुत आराम आराम से काम कर रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता ही होगा। और एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कोशिश किया करो कि जो आप लोग फ़ोटोज़ क्लिक करो उससे एटलीस्ट ट्राई करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें जो मैं खुद क्लिक करता हूँ उससे बनाता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मुझे किसी से रेफरेंस लेना पड़ता है, लेकिन अगर मैंने किसी फोटोग्राफर से रेफरेंस लिया है तो उसको क्रेडिट ज़रूर देता हूँ। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप किसी की पेंटिंग यूज़ करते हो या मतलब कुछ भी स्केच किसी का मतलब कॉपी वर्क भी करते हो उसको आप क्रेडिट दो उस चीज़ का। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ काम करते हैं क्रेडिट भी नहीं देते उस चीज़ का, बट चलिए कोई बात, सबका अपना अपना वो है, लेकिन फिर भी जो एक सही तरीका है जो प्रोफेशनल तरीका है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और अभी आप देखिए इस चीज़ को कैसे स्केच बना रहा हूँ। कोशिश करो कि आप लोग इरेजर ना ही यूज़ करो। जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था तो एक पहला मौका था जब मेरे टीचर ने इरेजर लेके मतलब फेंक दिया था, तब से लेके आज तक मतलब कि बहुत ही मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है। जब कोई डिटेलिंग काम होते हैं वहाँ भले ही हो जाता है थोड़ा बहुत यूज़, लेकिन फिर भी जितना कम से कम कर सकते हो, इतना इतना इजी नहीं होता है छोड़ना, लेकिन फिर भी जितना कम से कम कर सकते हो उस चीज़ को उतना अच्छा रहेगा। कुछ मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जैसे स्केचिंग के हो गए और वाटर कलर के हो गए, क्योंकि देखिए हर चीज़ की नॉलेज हर जगह पे उस पर नहीं मिल सकती पूरी, बट फिर भी जितना एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना तो मैं आपको नॉलेज फ्री में भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर एक कोर्स करना है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को स्केचिंग या इस वाटर कलर कोर्सेज ज्वाइन करने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग नंबर लिख लीजिए 9559480989। और अभी जनवरी से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, सो आप लोग को किसी को अगर सीखना है तो वो सीख सकता है जैसा भी आपको लगे। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ मैं। देखो हर चीज़ समझ के स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज़ें आप लोग के लिए इजी हो जाएंगी, मतलब उसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ मिस्टेक्स है, सिंपल सा सिंपल ही वे में उस चीज़ को मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। लाइंस किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो, ऐसे भी जल्दबाजी नहीं है कि कहीं भागना है, कोई बात नहीं टाइम लग रहा है लगने दो। अरे आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप टाइम लेके स्केच करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोलते हैं बहुत स्पीड में करना है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे स्पीड अपने आप आएगी। ऐसा नहीं कि इंसान स्केचिंग स्टार्ट कर तुरंत आप स्पीड आती है, थोड़ा टाइम लगता है मेरे को भी लगा, लेकिन धीरे करो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उस चीज़ को ट्राई करें समझ में आएगी चीज़ें कि कैसे करना है किस तरीके से, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि काम भी ख़राब हो जाए, पहले चीज़ों को समझ के करो फिर धीरे करके तो चीज़ें अपने आप आ ही जाएंगी आपको। बस जो जो चीज़ डेप्थ में उसको मैं नॉर्मली एक सिंगल लाइंस में मतलब हल्का हैचिंग में उस चीज़ को विजिबल कर रहा हूँ।
एकदम देखो, और एक ही ऐसा नहीं होता कि नहीं अच्छा ये लाइन यहाँ से आ रही थी आपने हल्का सा घुमा दिया, इतना तो नोटिस नहीं करना है स्टार्टिंग में। मैंने क्या बोला, जब आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हो तो उसे हमें जैसे फिगर बैठा है किस तरीके से पोजीशन है हमें उसको पहले कैच करना होता है, ठीक है। एक लाइव ड्राइंग का पार्ट अलग हो गया, हम चला जो हमें जैसे कि 1 से 1.5 घंटे मिल रहे हैं उस चीज़ में काम करने के लिए, तो उसका फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो एक बात की बात है। पहले तो आप एक एटलीस्ट वो चीज़ बना तो लो अच्छे से। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि जब भी आप स्केच बनाते हो तो ध्यान के रखना आप लोग को कि एकदम प्रॉपर ऐसा ना हो कि एकदम आगे सेंटर में स्केच ना हो। जैसे देखो मेरा पेज का सेंटर ये है, ओके, एंड जो स्केच दिख रहा है साइड में है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक एटलीस्ट एक ब्रीथिंग स्पेस मिलता है जिससे कि कॉम्पोजिशन के हिसाब से वो चीज़ सही लगती है। कुछ लोग मैंने देखा है पेज में स्केच बनाते हैं तो मैं, लेकिन क्या करते हैं स्केच को उठा के यहाँ साइड में, ऐसा लग रहा है कि वो आधा पेज तो वेस्ट हो गया, ऐसा फील आता है, ठीक है। तो चीज़ों को कंपोज कैसे करना ये ज़रूरी है, बट आ जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं था, मेरे को भी टाइम लगा, जब मैं कॉलेज टाइम पे था मुझे तो स्केच करना भी नहीं आता था। सही बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको। और धीरे करके चीज़ें सीखी, आया काम, रेगुलर प्रैक्टिस करी, ऐसे नहीं कि सिर्फ देख देख के, खुद भी काम किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आप अपना टाइम दे रहे हो देखने के लिए ना, तो उसको स्केच ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं अपना टाइम लेके आपके लिए कुछ बना रहा हूँ वीडियो, तो आप भी उस चीज़ में थोड़ा ट्राई करके मुझे दिखाइएगा, तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी होगी, तभी फिर मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा अगर आप काम करते हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, तभी आप देख सकते हो। सिर्फ बहुत ही हल्के हल्के, मतलब एक डिटेल ज़्यादा कर भी नहीं रहा हूँ, बस एक हल्का हल्का फील, एक डेप्थ में उस चीज़ को निकाल रहा हूँ बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा से मैंने किया नहीं है। उसे मेरी फेवरेट पेंसिल भी है जो स्टेडलर की पेंसिल 8B जो है, मतलब उससे स्केच बनाना काफ़ी अच्छा मतलब लगता है मुझे, और काफ़ी टाइम से बनाता ही हूँ। आप लोग देखते ही होंगे जो इंस्टाग्राम में जिन लोगों ने मेरे को फॉलो किया उनको पता ही होगा, या जो मेरे व्हाट्सएप में ऐड हैं उनको पता होगा। एक बार काम करना आ जाए ना, चीज़ें अपने आप समझ में आपको आने लगेंगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैंने देख देख के बहुत, मतलब देख देख के बहुत कुछ सीखा, लेकिन खुद से किया भी, सिर्फ देखा नहीं खुद से किया भी चीज़ें। अभी देखो इसका प्रपोर्शन आपको कैसे दिख रहा है, एक परफेक्ट वो चीज़ दिख रही है। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत परफेक्ट स्केच बनाया, बट फिर भी जितना एटलीस्ट हो पाया जितने टाइम में उतना मैंने करके दिखाया आपको, और बहुत कुछ बचा है इसमें। अभी ये सब मेरे हिसाब से 100 का 15 या 20% स्केच है, अगर मैं अपने हिसाब से आपको मतलब बताऊँ, लेकिन आपके हिसाब से बहुत कुछ है, ठीक है। एक आर्टिस्ट अपनी मिस्टेक जान सकता है कि उसने क्या मिस्टेक्स की है, लेकिन वही ये मिस्टेक तो कौन नहीं करता मिस्टेक, आप ये बताओ कोई है जो मिस्टेक ना करता हो। सब में कुछ ना कुछ कमी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप लोग। ये नहीं कि नहीं हम अच्छा कर लेते हैं, मुझसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, ऐसा तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। मेरे से अच्छे काम करने वाले हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ये ज़रूरी है ना। दूसरा क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता, हम अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जैसे कि जो मेरे स्केचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं या जो लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किए हैं, मैं दोनों की बताना चाहता हूँ कि देखो आपको अपने अंदर कमी को ढूंढना है कि आप में क्या कमी है, आप स्केचिंग में क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको मेरे काम से कंपेयर नहीं करना है, सर आपके जैसा मुझे स्केचिंग करना है क्या आप मेरे को सिखा दोगे। यार मेरे को भी ऑलमोस्ट टाइम लगा है सीखने में, ठीक है, क्योंकि तो झूठ नहीं बोलता, जो रियलिटी है स्केचिंग इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना आपको लगता है, टाइम टेकिंग है प्रोसेस। और लोग सही बता रहा हूँ, लोग पेंटिंग करते हो आपको बहुत लोग दिख जाएंगे, लेकिन स्केचिंग करने से लोग बहुत बचते हैं, क्योंकि जानते हैं कि स्केचिंग में परफेक्शन लाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस भी चाहिए। जल्दबाजी में आप काम कर लोगे, अच्छा कर लोगे, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक सीमित नहीं रहेगी, क्या क्रिएटिविटी रह जाएगी उस चीज़ में, बस काम कर लिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस चीज़ को आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, तभी उसमें आपको एक फिनिशिंग दिखाई देगी ना, तभी उसमें आपको एक क्रिएटिविटी दिखाई देगी जितना आप टाइम दोगे अपने वर्क को। तो लोग उस चीज़ समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लें, ऐसा नहीं है। पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा खासकर स्केचिंग में, और प्रैक्टिस करते रहो। ये मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, दूसरों बेस्ट क्या कर सकते हो, ये ज़रूरी है। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना बाकी है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, बस मैं बोलूँगा कि
काम करते जाओ, दूसरों के लिए भी हेल्प करते जाओ। ये जरूरी है कि ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए करते जाओ, दूसरों के लिए भी हेल्प करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सबको दिख रहा होगा स्केचिंग, किस तरीके स्केच मैंने किया है, बहुत ही सिंपली सिंपलीफाई किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दी हो, मतलब एक नॉर्मली स्केच आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, खासकर एक परफेक्शन, धीरे करके परफेक्शन आएगा। और देखो अभी पूरा प्रोसेस है, इसमें प्रपोर्शन भी होता है कि हेड के हिसाब से बॉडी कितनी है, सारी चीज़ें। तो जैसे कि अगर आपको इस तरीके प्रॉपर एकदम पूरा एक कोर्स भी करना है तो आप मेरे उसके लिए एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बट फिर भी इतने से देख के आप समझ आ ही गया होगा यार, मेरे समझाने से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो मुझे नॉलेज को छिपा के नहीं रखना, जितना शेयर मैं कर सकता हूँ उतना आप लोगों को शेयर करता हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ एडवांस लेवल की होती हैं, क्योंकि देखो अभी मैं आपको एडवांस बता दूंगा इसका तो अभी आपके सर से ऊपर निकल जाएगा ना। तो जो चीज़ें आप लोग समझ सकते हो मैं उस हिसाब से आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्केचिंग में, खासकर उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए काफ़ी बेस्ट रहा होगा। कुछ फिनिशिंग मैं कर देता हूँ, चलो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा और फिनिशिंग पार्ट कर देता हूँ, जैसे कि हेयर वाला ये एरिया थोड़ा स्केच और निकल के आएगा। कुछ लोग के माइंड चल रहा सर थोड़ा सा और इसमें डिटेलिंग करो अभी और इसको कुछ समझाओ, कुछ लोग के क्योंकि लगता है कि हम कम टाइम में क्या क्या सीख लें। बट चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप लोगों से ही मैं हूँ, बनी सी बात है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स हैं तभी वो टीचर है। बट फिर भी एक टीचर जितना हो सकता है उतना वो आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा। बाकी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं टीचर हूँ, आपको भी काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मुझे टैग कीजिएगा जो भी आप काम करते हो, ठीक है। और जिन लोगों से क्लासेस के बारे में जानना है वो मेरा नंबर लिख सकते हैं 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट हाँ सिर्फ काम के लिए मैसेज कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फिनिशिंग करता जाऊंगा। इतने मतलब फिर भी आप लोग को समझने के लिए ठीक है ना, जैसा भी आपको लगा हो, जैसा भी मैंने पढ़ाया हो, चाहे भले 10 मिनट के या 12 15 मिनट, जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे जैसा भी, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आप देख सकते हो, और इस जो रेफरेंस दिख रहा है आप लोग को इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़, ठीक है। और अगर आप लोग के कोई फ्रेंड्स हो उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो, जो लोग आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो सिर्फ आर्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको, ठीक है। अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत कीजिए, किसी को भी आप वीडियो भेज दो जिनको लगता है कि चलो कुछ नॉलेज मिल सकती है उनको आप भेजिएगा प्लीज़। और उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा मुझे भी आप लोग को मैंने कुछ सिखाया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग काम करेंगे इस चीज़ पे। ओके फिर, बाय बाय एंड थैंक यू, बाय।